हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गार्गी क्लासेस डेटा आज के 28 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से फर्स्ट आर्टिकल है जो कि आपके सामने है फाइटिंग एंड फिडलिंग ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे इधर आप देख रहे हो वैक्सीन डारवनिज़म इस आर्टिकल में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके पास में ऑलरेडी वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनमें एड ऑन कर लेना आप ठीक है इसके अलावा हम जो तीसरा दूसरा जो आर्टिकल देखेंगे वो है पनिशिंग प्रोसेस इस आर्टिकल में देखेंगे जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो यू ए पी एक्ट है इसका मिस यूज़ किया जा रहा है तो ऐसे में एडिटर अपनी तरफ से कुछ एक तरीके से आपके लिए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि यू में इसका क्रिटिसिज्म अगर लिखना हो या फिर मिस कितना ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स यहाँ पर आर्टिकल से निकाल लेंगे तीसरा ये आर्टिकल आपके सामने नो कंट्री फॉर वेमेन अभी जेंडर गैप रिपोर्ट सॉरी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तो इंडिया ने बहुत पुअर परफॉर्म किया है तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर जस्टिस जेंडर इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हुए आगे चलेंगे हम तब कि यहाँ पर यह आर्टिकल है जुडिशियरी से रिलेटेड कि अभी तक हमारे सुप्रीम uh, कोर्ट में या फिर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक लेडी नहीं बन पाई है तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल है इसमें स्टेटमेंट्स ज़्यादा हैं बट फिर भी एक बार इस आर्टिकल के कुछ जस्ट पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे तो एक तो जो प्रीवियस आर्टिकल है जो हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली जो इंडेक्स रिलीज हुई है जेंडर गैप रिपोर्ट उसको तो आप कनेक्ट अब आ, बेसिकली एक चीज़ मैं बता दूँ शुरू शुरू में कि आप जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करो उसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लिया करो कि मैं आर्टिकल्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन सा आर्टिकल किस जी पेपर से कनेक्टेड है राइट तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा कि यहाँ पे फिर फ्लो फ्लो में बतानी पड़ता है बताना तो उसके बजाय मैं वहाँ पर लिख दूँ तो ठीक रहेगा तो अभी पिछले पाँच सात वीडियोस से मैं ये करना शुरू कर चुका हूँ पर अनाउंस नहीं कर पाया ठीक है ना तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको जीएस पेपर का आइडिया नहीं लग रहा है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल्स के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है राइट तो इस आर्टिकल को भी हम देख लेंगे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे और नीचे ये वाला आर्टिकल लेट्स गो आउट ऑफ सिलेबस इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है अभिजीत पाठक जी के द्वारा लिखा हुआ ओके तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं मेन मेन कंटेंट को फर्स्ट आर्टिकल है नो कंट्री फॉर वेमेन इस आर्टिकल में बताया गया है आर्टिकल को लिखने वाली हैं स्वाति नारायणन नारायण तो उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इनईक्वल कंट्रीज की अगर बात करें और वो भी वेमेन इनइवलिटी या फिर जेंडर इनइवलिटी की बात करें तो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अभी डिक्लेयर हुई है जे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है इंडिया सेवनटींथ रैंक पा चुका है बॉटम से यह ध्यान रखना नीचे से सत्रहवें स्थान पर है और अफ़ग़ानिस्तान का हाल सबसे बुरा है वर्ल्ड में अगर विमेन ये जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करें सबसे बुरी जो परफॉर्मेंस की है हमारे देश में अगर हम देखें तो हाल क्या है वो देखो कि जो भेदभाव की जो भावना है डिस्क्रिमिनेशन है उसकी शुरुआत तब से हो जाती है जब एक बेटी अपनी माँ के कोख में पलना शुरू होती है एक एम्ब्रायो बनना शुरू होता है ना एक भ्रूण बनता है तब से लेकर क्योंकि जब एक एम्ब्रायो डेवलप होता है तब से अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जाता है सोनोग्राफी जिसको आप जो जो बोलते हो उसका मिस यूज़ करना सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन करवा देना बेटी है मार दो बेटा है ठीक है बहुत बढ़िया ताली ताली बजाओ थालियाँ बजाओ ठीक है इंडिया में अगर हम देखें तो ये चीज़ यूफेमिस्टिकली लगातार चलती आ रही है इसको कोई रोक पा ही नहीं रहा है ना कोई कोशिश मतलब इसको एक तरीके से शिष्ट भाषा में ले लिया गया है कि बहुत बढ़िया इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एफ पी ए के एस्टिमेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर साल इंडिया के अंदर लगभग छियालीस मिलियन वूमन जो हैं वो मिसिंग होती रहती है मतलब हर साल आप देखो कि कितना बड़ा फिगर है छियालीस मिलियन कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है ये कि मतलब आप देखो कि इनकी कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं हमारे यहाँ पर जेंडर इनिक्वालिटी कितनी ज़्यादा है ठीक है आप इस और इसको शिष्ट भाषा में देखा जा रहा है इसके अलावा इंडिया की रैंक देखें तो स्लिप कर गई अट्ठाईस प्लेसेस पिछले साल के कंपैरिजन में 28 स्थान नीचे खिसक गया है इंडिया जो कि बहुत ही दुखद बात है जबकि स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं स्टेट इलेक्शन में देखो भाई कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन वमेन का दिखाया जा रहा है बट रियलिटी क्या है कि जो मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेशन है मिनिस्ट्री के अंदर जो वेमेन रिप्रेजेंटेशन है वो ट्वेंटी थ्री से डिक्लाइन होकर के कितना हो गया सिर्फ नो no पे आ गया है जो कि बहुत ही कम है इसके अलावा वेमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिक्लाइन कर गया है और कितना है केवल और केवल ट्वेंटी वन परसेंट जबकि पॉपुलेशन में कितना हिस्सा आता है वेमेन का फिफ्टी परसेंट ये डेटा काम का आप लिख लेना एक साल तक तो ये रेलिवेंट रहेगा इसी के अलावा आप देखोगे ये पेंडेमिक से पहले की अगर बात करें तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की हम बात करते रहते हैं वहाँ पर भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ करने के लिए अलग अलग ऑब्लिगेशंस अलग अलग नॉर्म्स बनाए जा चुके हैं बट अभी भी पंद्रह परसेंट से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है इंडियन बोर्ड रूम्स में जो कंपनीज के बड़े जो डिसीजन मेकिंग जो स्टैब्लिशमेंट है जो बोर्ड्स हैं वहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन केवल पंद्रह ही है आपको पता है हीश टैग मूवमेंट शुरू किया था उस हैश टैग में सेक्सुअल हरसमेंट एट वर्क प्लेस कि काम करने के लिए जो लड़कियां औरतें जाती है उनको कितना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो यह तो केवल हैशटैग मीटू मूवमेंट से केवल एक यू मानो कि आइसबर्ग की एक बर्फ की चट्टान जो कि पानी में तैर रही है उसका केवल टिप आपको मिला है और इसका क्या फॉर्मूला होता है वन इंस टू नाइन मतलब कि अगर सो पर सो अगर एक पूरी आइसबर्ग सो यूनिट की है तो केवल हैश टैग टू ने तो केवल एक यूनिट ही दिखाया नो यूनिट तो अभी छुपी हुई है कि वेमेन कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है उनको जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में वो डरी हुई है तो वो अपनी बातों को ओपन अप कर भी नहीं पाती है आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वमेन का सऊदी अरब के इक्वल या उससे भी कम है तो आप देख लो सऊदी अरब में कितना रेडिकलिज्म है उससे कंपैरिजन आज इंडिया का हो रहा है जो कि बहुत चिंता की बात है देखो वर्क प्लेसेस पर जो क्रैचेज हैं मतलब छोटे बच्चों के पालन के लिए अलग से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये एक लीगली मैंडेटरी कंडीशन है कि बनाना ही पड़ेगा सभी ऑफिसज़ में जहाँ पर पचास से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और नरेगा वर्क साइट्स पे भी इनको बनाना जरूरी है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है इसी तरीके से आंगनवाड़ी में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी क्रैचेस के लिए फैसिलिटी को एक्सपेंड करने की बात की जा चुकी है इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो ईस्ट एशियन ग्रोथ की बात करें जिसमें हम ईस्ट एशियन ग्रोथ की अगर देखें जापान साउथ कोरिया ताइवान इनकी अगर ग्रोथ को रजिस्टर होते हुए देखें कि हाँ जो नाइनटीन के टाइम पर इन्होंने जो ग्रोथ की जापान तो देखो वैसे ही बहुत शुरुआत से आगे चल रहा है ठीक है ईस्ट एशन ग्रोथ को मेरेकल के तौर पे देखा जाता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वहाँ की वर्किंग वेमन ने जिसको आज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो कैसे इंडिया अपने आप को प्रोग्रेसिव कंसिडर कर पाएगा पेट्रीआर की सबसे बड़ी चिंता की बात है जिसके चलते हमारे यहाँ पर घरों से ही ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है इंस्टिल्ड है कि हाँ भाई ठीक है कि अब हमें कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी जो रहेगी वो मेल की ही रहेगी शुरुआत घरों से ही हो जाती है आज वेमेन का डेली वर्क लोड देखोगे ना तो मैन के कंपैरिजन में लगभग दस गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसका उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता अनपेड डोमेस्टिक वर्क्स की यहाँ पे बात की जा रही है ये बात ये डेटा बताया जा रहा है 2019 में जो एन का डेटा आया था उसके बेसिस पे जो टाइम यूज सर्वे था उसकी ये डिटेल है इसके अलावा वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नए डेटा में मतलब जो 2019-20 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया तो ऐसे में आज प्रिलिमिनरी पॉपुलेशन के वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सत्रह स्टेट्स में से ये पता पड़ता है पेंडेमिक से पहले कि चाइल्ड मैरिज जो थी वो मार्जिनली इंक्रीज़ हो गई 2015-16 के कंपैरिजन में इन शॉर्ट मैं रिपीट करता हूँ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सत्रह स्टेट्स के डेटा ये कहते हैं कि पेंडेमिक आउटब्रेक से पहले 2015-16 के कंपैरिजन में 2019-20 तक जब आया इंडिया तब तक चाइल्ड मैरिजेस की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ चुकी थी मतलब चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है देखो आज ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में अगर ये मैंने अभी भी कंटिन्यू है इसका मतलब हमने बहुत कम प्रोग्रेस की है अभी भी हम सो रहे हैं इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव नहीं है मतलब कि सोसाइटी में अगर अपर क्लास लोअर क्लास का डिवीज़न देखो मेल फीमेल का डिवीज़न देखो रूरल अर्बन डिवीज़न देखो ये बहुत ज़्यादा प्रवलेंट है इसके अलावा थ्री फोर्थ ऑफ द वमेन लिटरेट जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनमें से थ्री फोर्थ अराउंड सेवेंटी अगर आप देखो तो वहाँ पर एजुकेशन उनको अपॉर्चुनिटी मतलब एक तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको ठीक है टोटल पॉपुलेशन का थ्री फोर्थ जो है वो वमेन लिटरेट है मतलब वो पढ़ लिख सकती हैं अपना काम चला सकती हैं ठीक है ऐसे ही जितनी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से केवल थर्टी सेवन परसेंट ही टेंथ क्लास तक पास कर पाती हैं अब देखो जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे वमेन पार्टिसिपेशन जो है एजुकेशन में डिक्लाइन करता जा रहा है इसके अलावा क्लास के बाहर अगर निकलें तो जो वमेन के लिए खुद की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लगातार घटती चल रही है टोटल वेमेन पॉपुलेशन की केवल वन थर्ड जो वेमेन है वो कुछ अर्न कर पा रही है मतलब उनके पास में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है इसी तरीके से जो लैक ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो लगातार प्रिवेल कर रही है कि कहीं पर भी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है पैसे के लिए जो अपने काउंटर पार्ट है हस्बेंड्स उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इसी तरीके से जितने भी मैरिड वुमेन है उनमें से 25 परसेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से वायलेंस का सामना करती रहती हैं इसी तरीके से हर पांच वेमन में से चार वेमेन का हाल ऐसा है अभी फ़िलहाल कुछ बेटर कंडीशन है वो ये कि इनके पास में बैंक अकाउंट हो गया जब से ये प्रधानमंत्री जन धन जो जन धन योजना शुरू हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है ऐसे ही आप देखोगे कि टोटल वमन पॉपुलेशन का टू थर्ड जो यंग वमन है उन जो टोटल यंग वेमेन है उनमें से जो टू थर्ड हैं वो मैंसुअल हाइजीनिक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है जो मैरिड वुमन है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स uh, का या फिर कॉन्ट्रासेप्ट मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर रही हैं कि कैसे भी करके प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए और हाफ वुमेन के लगभग पास मोबाइल फ़ोन एक्सेसिबिलिटी है तो ये वाला जो सेक्शन है ये तो हो गया प्लस का ऊपर वाला हो गया नेगेटिव का बट स्टिल अगर हम देखें कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आता है उसमें ये पता पड़ता है कि लगभग लगभग डेली 2019 का डेटा है ये 2019 का एनसीआरबी का डेटा है जो है उसके अकॉर्डिंग ये पता पड़ता है लगभग अट्ठासी रेप्स डेली के इंडिया में हो रहे हैं और उसमें दलित वमन के साथ में जो राजस्थान और यूपी में जो रेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अब अगर साउथ एशिया के साथ में कंपैरिजन करें तो आप देखोगे कि जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मान लो एक फैमिली के अंदर मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ के बीच में तो जो नेपाली वमन है ना वो लगभग 83 परसेंट जो है वो अपने घर से बाहर निकल जाती हैं काम करने के लिए इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखोगे कि वेमेन जो है उनका कोटा है वो भी अब बढ़ता चला जा रहा है पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन को लेकर के देखो पार्लियामेंट में जो एम बनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाल में या फिर लोकल गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेशन देखो दोनों बढ़ रहे हैं इसी तरीके से बांग्लादेश में भी आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कहीं पर वेमन ने अगर रीन किया है या वमेन अगर रूल में रही है तो वो कंट्री है बांग्लादेश जो कि बहुत ही अपने आप में एक एग्जाम्पलरी पॉइंट है इसी तरीके से रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंसिडर हो रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से निकल करके अब कैसे जैसे अपने आप को प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ा रहे हैं वहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने जेंडर गैप को बहुत हद तक कैप कर दिया रोक दिया है अलग अलग फ्रंट्स में जब 1994 में जब हॉरिफिक जेनोसाइड हुआ था इसमें हुए थे हत्ती और तुत्सू समथिंग मुझे याद नहीं आ रहा 1994 का जो रवांडा का जो आ, एक जेनोसाइड हुआ था जिसमें ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्त हुआ था आप एक बार पढ़ना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ना तो इसमें क्या हो गया था कंट्री की डेमोग्राफी को बहुत हद तक चेंज कर दिया गया था तो आज आप देखोगे कि 2003 में जब इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रवांडा का तो वहाँ पर कोटा फिक्स कर दिया और वमन आज जो हैं वो टोटल पार्लियामेंट्री सीटों में से टू थर्ड सीट्स पे वमन ही हैं जो कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया के लिए तो इंडिया को दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पर जो डायनेमिक वमन है जिनके ये थोड़ा फैमनिज़म की पॉइंट ऑफ़ व्यू से बोल रही हैं राइटर कि दिशा रावी नवदीप कौर ये हिदमे मारक्रम ऐसे करके ये कुछ फेसेस हैं जिन्होंने अपनी तरफ से वुमेन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपनी बातों को रखने के लिए जैसे ही आगे आई तो इन पर सडिशियस चार्जेस लगने लग गए जो कि बहुत ही गलत है तो ऐसे में मस्क्युलर नेशनलिज़म और मस्क्यूलैनिटी मतलब अपनी जो मसल मसल पावर है उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आज भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वेमन को दूसरी तरफ शाहीन बाग में भी क्या है बहुत सारी औरतों ने अपनी तरफ से लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी बट वही चीज़ें वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो हर दिन कहीं ना कहीं आप देखोगे अनसर्टेनिटी लगी हुई है बनी हुई है और वेमेन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कही करती हुई दिखाई दे रही है चाहे घर के अंदर की बात करो चाहे घर के बाहर की बात करो तो देखो कोविड पेंडेमिक के टाइम पे ये एक पॉइंट आ चुका है कि अभी कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है टाइम ये बता रही है राइटर ओके आगे चलते हैं अब वो जजेस वाला जो पॉइंट है उस पर तो बेसिकली इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो सोसाइटी वाला जो चैप्टर है ना सोसाइटी वाला जो पोर्शन है जीएस पेपर वन का उसके साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी वाला जो है ठीक है सोशियोलॉजी की बुक आती है एनसीईआरटी की वो आप परचेज कर लो एक बार मेंस पॉइंट ऑफ ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा इलेवंथ और ट्वेल्थ की सोशियोलॉजी की बुक्स आती हैं अगर नहीं परचेज़ किए तो वो ज़रूर कर लो ठीक है अब चलते हैं हम वो जुडिशरी वाले पॉइंट पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डाइवर्सिटी एंड प्रॉपराइटी इस आर्टिकल में आप देखोगे जुडिशियरी में वुमन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के तो वुमेन एम्पावरमेंट वाला टॉपिक तो हो गया जीएस पेपर वन का और जुडिशियरी की फंक्शनिंग होगी जी एस पेपर टू की तो जीएस पेपर वन और टू दोनों से कनेक्ट हो जाएगा तो अब उस आर्टिकल के साथ में रिलेवेंट करके रिलेट करके आगे बढ़ते हैं कैलाश गंभीर जी ये बोल रहे हैं कि अभी देखो रिटायरमेंट हो रहा है जस्टिस आर भानुमति का ठीक है इनके बाद में आप देखोगे कि जस्टिस इंदू मल्होत्रा इनका रिटायरमेंट हो गया तो आप एक चीज़ क्लियर के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये आवाज़ उठ रही है कि अब वहां पर जो वेमेन रिप्रेजेंटेशन है बीइंग जजेस वहां पर जजेस के तौर पे वेमेन का जो रोल है वो बहुत कम हो चुका है बहुत लेस नंबर्स वहां पे रह चुके हैं तो ज़रूरत है वहां पर कि वेमेन जजेस की ओवर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए तो डिबेट भी चल पड़ा है तो बेसिकली हुआ क्या था मध्य प्रदेश में एक, एक सेक्सुअल असल्ट केस आया था तो उसको जब जज जजमेंट दिया जा रहा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तो वहां पर जो जज थे उन्होंने क्या एक क्या वर्डिक्ट दिया कि आप जाओ और मतलब जो विक्टिम थी उसको ये बोला अक्यूज और विक्टिम दोनों को कैसे सेटल आउट किया बोला अक्यूज को ये बोला कि आप जाओ विक्टिम के साथ में राखी बंधवा लो तो ये कोई जजमेंट होता है क्या तो ऐसे में क्या होता है कि सेंसिटिविटी बहुत कम आ रही है ठीक है जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत कम है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा वुमन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी ये इंक्रीज करना पड़ेगा फिर आप देखोगे जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आया तो नाइन वुमेन लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में जाती है और इस वर्डिक को चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट में फिर इस मुद्दे के आते ही सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ठीक है आर्टिकल सेवेंटी सिक्स ठीक है और उसके अंडर में अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अटॉर्नी जनरल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ठीक है तो अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कुछ सजेशन दो भाई इस इशू को कैसे टैकल किया जाए कि इस तरीके से जजमेंट दिए जा रहे हैं तब अटॉर्नी जनरल ने एक तो ये बात कही कि हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा वेमेन रिप्रेजेंटेशन को जुडिशरी में दूसरा इसके अलावा ये कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एम्पथेटिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है क्योंकि सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनमें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है साथ में ये भी कहा कि आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक भी वेमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाई है ये बात कही अटॉर्नी जनरल ने इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार की नज़रों में ये बात है क्योंकि अटॉर्नी जनरल कौन हो, कौन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एडवोकेट होते हैं राइट तो एक तरीके से डिस्कशन तो देखो हो चुका है कि कैसे भी करके फर्स्ट वमेन चीफ जस्टिस को बनाने की कोशिश की जाए इसी तरीके से अभी जो आउट जो जा चुके हैं अभी जो तेईस अप्रैल तक जिनका टेनोर था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे और उनकी वो बात अलग है कि इनके टाइम पे अब एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई क्योंकि एक तो पेंडेमिक का टाइम बहुत ज़्यादा था दूसरी तरफ अगर देखें तो जो दूसरे जो आ, लीडर्स हैं या फिर आप कहोगे कॉलेजियम के जो मेंबर्स रहे हैं ऐसे बॉबडे जी के टाइम पे जो कॉलेजियम के मेंबर्स रहे हैं जो इनके अलावा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा चार जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के जैसे कि यहाँ पर रोहिंटन फाली नरीमन और दूसरे हो गए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि अगर ए जब इन ये जस्टिस इंदू मल्होत्रा जी का जब रिटायरमेंट हो रहा था तो उसकी उनकी फेयरवेल पार्टी जब हो रही थी तो फेयरवेल स्पीच जब दे रहे थे वो तब उन्होंने ये कहा कि भाई हम इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर फीमेल जजेस की बिल्कुल कमी आ जाएगी केवल एक जज रह जाएंगी तो ऐसे में हमें जरूरत है कि हम जुडिशरी को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट करने की ज़रूरत है वुमेन जजेस की ठीक है तो राइटर यहाँ पर ये यह बोलना चाह रहे हैं कि हर तरीके से अलग अलग एंगल से आप देखो कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ट्वेंटी सेंचुरी का टाइम है फिर एक अपने खुद के साथ के एक लॉयर का भी एक कोर्ट दे रहे हैं कि पिछले इकहत्तर साल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश हुए अभी तक सिर्फ आठ वेमेन जजेस का ये अपॉइंटमेंट हुआ ये बहुत काम का है लिख लो आप ऐसे कैसे ठीक है कि पिछले इकहत्तर साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को हुए केवल आठ जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है जिनमें पहली जज थी जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था फातिमा बीवी ये भी आप लिख लो नाम जो कि अपॉइंटमेंट कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट के उनचालीस साल बाद में अब आप देखो कितना ज्यादा लैगिंग है केवल आठ जस्टिस जजेस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है का और एक भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है अच्छा ये हाल केवल इंडिया का ही नहीं है यूएस यूके आयरलैंड फ्रांस और चाइना ये कंट्रीज भी इसी चीज का सामना कर रहा है वहां पर भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में बहुत कम है यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट प्रेजिडेंट जे लॉर्ड रॉबर्ट जॉन ने अपने स्पीच में कहा था इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कि वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पर बहुत ही कम है हमारी हाईएस्ट कोर्ट में ये एक प्रॉब्लम है मेरे देश की अब आप देखो अगर उन्होंने इस तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया तो हमें भी क्या इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए करने की ज़रूरत है अभी तक प्रीवियस आर्टिकल में तो हमने ये चीज़ देखी ही नहीं थी जिसमें वहाँ पर मैं देखा था कि जेंडर गैप रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो डिक्लेयर की गई है उसमें जजेस का कितना रिप्रेजेंटेशन है यहाँ से एक पॉइंट और ऐड कर देना आप उधर ठीक है इसके अलावा आप देखोगे कि पेरिस बेस्ड एन है उन्होंने ये कहा कि सी के तौर पे अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है जो कि बहुत मुश्किल है इसके अलावा डिफरेंट कोर्ट्स में भी वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ वेरी लो उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसके अलावा अगर हम देखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोबड़े जी हैं जो जा चुके हैं देखो उनके टाइम पर वो बात तो ठीक है कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक का माहौल बना रहा बट फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देनी थी जो अपॉइंटमेंट्स थी उनके लिए उन्होंने कोई ज़्यादा यूज़ किया नहीं कॉलेजियम सिस्टम का ठीक है तो हाँ ये चीज़ ठीक है कि जाते जाते बीस अप्रैल को उन्होंने एक जजमेंट अपनी तरफ से दे दिया कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसमें ज्यादा टाइम ना लगना चाहिए क्योंकि चार महीने का टाइम दे दिया मैक्सिमम अट्ठारह हफ्तों का टाइम दिया था ध्यान हो तो हमें अच्छे से अभी हमने डिस्कस किया था उन्होंने जाते जाते ये बात बोली थी अब देखो जस्टिस जो है एन वी रमन्ना उनके पाले में बात है अच्छा अब बात ये आ रही है कि आने वाले टाइम पे कुछ हो सकता है क्या कि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए तो अभी कर्नाटका कोर्ट में जस्टिस बी वी नागर था ठीक है नागर था है कर्नाटका कोर्ट में ये सीनियर मोस्ट जज है कर्नाटका कोर्ट की ठीक है तो कर्नाटका कोर्ट के इस जज का अगर अपलिफ्टमेंट कर दिया जाता है इनको फिर सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है तो ये दो तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं ठीक है पर अगर इनको अभी अगर अपॉइंट नहीं किया गया तो क्या होगा अक्टूबर 29 2024 को इनका रिटायरमेंट है क्योंकि आपको पता है ना कि हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 62 टू ईयर्स जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज है 65 फाइव ईयर्स ठीक है तो ऐसे में क्या हो जाता है तीन साल का एक्सटेंशन मिल जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट में ये डायरेक्ट अभी अपॉइंट 2024 से पहले पहले हो जाती है तो तो एक ही ऑप्शन बचता है बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके अलावा ये लेडी हैं सुप्रीम कर्नाटका हाई कोर्ट की बट इनके अलावा बत्तीस मतलब उन्नीस ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि इनके पहले आ जाते हैं नंबर में मतलब मेल जो हैं वो अभी भी आउट नंबर कर रहे हैं फीमेल्स को यहाँ पर आप इक्वेशन समझो कि कर्नाटका कोर्ट जो है वहाँ पर तो जस्टिस नागरथा जिन जो वुमेन हैं उनकी बात कर रहे हैं हम तो वो सीनियर मोस्ट है उनका अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए बट बचे हुए चौबीस और भी तो हाईकोर्ट्स हैं ना वहां पर इनसे भी ज्यादा सीनियर मेल्स हैं अब आप बताओ कि अगर इनको नागरथा को जो हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट की जज है इनको अगर प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो ये सुपर सेशन हुआ कि नहीं सुपरसीड कर रहे हो कि नहीं कि इनसे जो सीनियर लोग आप उनको एकदम इग्नोर कर रहे हो और अगर हम इस सुपर सेशन की बात करें कि हाँ जो सीनियर है उनको छोड़ करके केवल वेमेन एम्पावरमेंट या फिर आप कहो कि जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए वेमन को आपने प्रमोट कर दिया तो ऐसे में तो फिर बाद में सुपर सेशन अगर हो जाएगा तो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठेगा कि नहीं क्योंकि होता क्या है कि जब आप देखते हो प्रीवियसली इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी जो इमरजेंसी टाइम था तो उस टाइम पर जो जजेस का अपॉइंटमेंट था उस तरीके से था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको अपॉइंट किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा वो तीसरे नंबर के जज थे उनसे पहले दो और इंपोर्ट, दो और सीनियर जजेस थे तो ये सुपर सेशन जो था ना ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का कारण बन जाता है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राइटर यहां पे बोल रहे हैं कि सुपर सेशन को भी हमें ध्यान में मतलब इग्नोर करना चाहिए नहीं तो क्या होगा जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस इग्नोर हो जाएगी और फिर बाद में एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने मन में आएगा ना उसको फिर बाद में ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट करते चले जाएंगे तो हमेशा क्या होता है कि मैरि कि हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी सुपरसीड किया गया है जजेस को तो वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के लिए खुद के लिए हार्मफुल रहा है ठीक है तो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की अगर बात भी करें नॉर्मल प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें अगर अभी 2024 से पहले पहले इनका अपॉइंटमेंट हो उस और उसमें भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें तो उनके पास में दो तक का टाइम रहेगा बट ऐसे में क्या प्रॉब्लम आएगी एक तो सुपर सेशन की प्रॉब्लम सुपर सेशन की प्रॉब्लम को अगर हम इग्नोर करते हैं कि सीनियोटी बेसिस जो है जजेस की अपॉइंटमेंट होती रहे फिर सीजीआई बने तो इनके पास में टेन्योर बहुत ही कम रह पाएगा तो अब बात ऐसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना क्या करते हैं उनकी लीडरशिप डिसाइड करेगी क्योंकि हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज भी चार के लगभग है और सुप्रीम कोर्ट में भी वैकेंसी बहुत सारी है अब टाइम बताएगा किस तरीके से आगे जजमेंट किए जाते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है वैक्सीन डार्विनिज्म इस आर्टिकल में हम समझेंगे देखो डार्विनिज्म का मतलब क्या हो गया कि कंपटीशन होगा स्पीसीज़ में और जो फिट रहेगा वो सरवाइव कर पाएगा वो अपने आप जीत पाएगा जो सुपीरियर होगा वो अपने आप ही रह पाएगा तो आर्टिकल को लिखा है प्रताप भानु मेहता ने तो शुरुआत में जो वर्ड्स हैं वो देखो हमारे कहीं पे भी काम के नहीं है ठीक है तो हम बेसिकली सीधा आ रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन कोविड इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने कर ली है तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं एक तो कि वैक्सीन पॉलिसी जो है उसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है वैक्सीन पॉलिसी जो लेटेस्ट आई है उसको हमने एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस किया हुआ है नोट्स बनाया है, तो आप उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना एक बार ठीक है तो इसमें तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है सबसे पहली चीज़ तो कि हमारे पास में क्या एनफ सप्लाईज़ हैं कि नहीं कि प्रोक्योरमेंट हो रहा है कि नहीं वैक्सीन का टाइम पे या प्रॉपर जितने नंबर्स में रिक्वायरमेंट है कैपिटल सब्सिडीज हम दे रहे हैं कि नहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा है एक पेशेंट के ऊपर कैपेसिटी हमने एक्सपेंशन किया कि नहीं कि जितना पेशेंट आ रहे हैं आज उतने हमारे पास में वैक्सीन्स अवेलेबल है कि नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको सस्पेंड भी करने की नौबत आए तो कर दो जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कल कल परसों हमने बात की थी कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंपनी अपने यहाँ पर रिसर्च करवा करके और फिर वैक्सीन डेवलप करती है और उस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए सरकार उस कंपनी से ये कह दे कि भाई हमें वैक्सीन की और ज़्यादा ज़रूरत है आपके पास में इतनी कैपेसिटी है नहीं तो दूसरी कंपनियों को लाइसेंस इशू कर दे कि आप ये वैक्सीन डेवलप कर लो ठीक है आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी इस डेवलपर को तो ऐसे में क्या हो जाएगा इसको बोल दिया जाएगा कंपलसरी लाइसेंसिंग एमरजेंसी सिचुएशन में ये काम में लिया जाता है तो क्या हमने ये किया है एन ऑफ सप्लाईज हमने इंश्योर की है पहली बात तो यह दूसरा ये बता रहे हैं एक तो एन ऑफ सप्लाईज होनी चाहिए दूसरा सेंट्रली प्रोक्योर होना चाहिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खरीददारी में या फिर जो भी वैक्सीन का अरेंजमेंट करवाना है उसमें मेन रोल प्ले करे और साथ में स्टेट्स को जो है वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दें मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खरीद करके वैक्सीन अवेल करा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को ही वो प्लान बना करके दे और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाउंड हो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो कि भाई आपको ये प्लान फॉलो ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक तो हो गया क्या प्रॉपर डोसेज अवेलेबल हो ठीक है दूसरा सेंट्रली प्रोक्योरमेंट हो साथ में स्टेट्स को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दे और तीसरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए स्टेट्स के बीच में फ्री में ये असेंशियल चीजें हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फॉलो की तो ये आप जरूर रिकमेंडेशन में डाल दोगे अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो यहाँ पर अब बात क्या जाती है प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें पता ही है वैक्सीन्स की कमी ये तो हो गया सजेशन पर हमें रियलिटी देखनी है अब रियलिटी क्या है कि वैक्सीन्स की स्कैसिटी अभी भी बनी हुई है कमी बनी हुई है इवन जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होना चाहिए था या फिर प्रोक्योरमेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो भी सही तरीके से साइन नहीं हुए हैं तो कहाँ से ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर पाएंगे जो कि सेकेंड वेव सर्ज देखने को मिल रहा है पेंडेमिक का हमें ठीक है तो यहाँ पर मेन जो बेसिक क्वेश्चन राइज होते हैं वो दो एक तो ये कि आपने कितनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी स्टेट्स को दूसरी सवाल ये उठ के आ जाता है कि जो वैक्सीन को रीअलोकेट करने की बात की है स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स को तो कौन से स्टेट्स को ज्यादा नीड है कौन से को कम नीड है उसके ऊपर क्या आपने वर्क किया ठीक है तो ये क्वेश्चन देखो ईजिली रिजॉल्व हो सकते हैं पर उसके लिए क्या जरूरत है बोला ट्रस्ट तो करो कम से कम स्टेट्स के ऊपर पर ट्रस्ट डेफिसिट जब हो जाता है तब फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ये तो एक तो क्या प्रॉब्लम है देखो कमी स्केसिटी और दूसरा होता है प्रायोरिटाइजेशन देखो कमी जब होती है तो आपको डिसाइड करना होता है कि पहले मुझे क्या करना है ठीक है ना तो जब प्रायोरिटी आप फिक्स कर रहे हो तो ऐसे में आप कंपटीशन कैसे ला सकते हो जबकि आपके पास में स्कैसिटी और जबकि पब्लिक गुड्स की आप बात कर रहे हो जनता को बचाने की आप बात कर रहे हो क्योंकि अगर कंपटीशन आ चुका है तो ऐसे में आप देखोगे जो कैपेबल हैं जो एबल्स हैं जो हैवें हैं मार्क्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जिनके पास में है पैसा वो तो देखो एक्सेस कर लेंगे वैक्सीन को वो तो एक्सेस कर लेंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और जिनके पास में नहीं है वो कैसे इन लोगों के साथ कंपीट कर पाएंगे वो तो फेल होंगे कि नहीं तो ये डार्विनिज्म जो है ये कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बन जाएगा अच्छा ये चीज़ आप स्टेट्स में भी कंपेयर करो कि जो स्टेट्स डेवलप्ड हैं कैपेबल हैं वो तो देखो अपने आप में अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे और आराम से अपने लोगों को बचा लेंगे और जो स्टेट्स कैपेबल नहीं है वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे तो ज़रूरत है वैक्सीन को फिर से फ्री करने की यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक तरफ देखो सैरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या वैक्सीन की प्राइस रखी आपको पता है छः सौ रुपये चार सौ रुपये और डेढ़ सौ रुपये ठीक है छः सौ रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए चार सौ स्टेट गवर्नमेंट के लिए और डेढ़ सौ रुपये किसके लिए आ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिमिलरली बायोटेक जो भारत बायोटेक है उसने तो वैक्सीन की प्राइस ही बारह सौ रुपये तो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए रख दी और छः सौ रुपये रख दिया स्टेट गवर्नमेंट के लिए और डेढ़ सौ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो भाई यहाँ पे तो ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस अगर आप रखोगे तो इनिक्वलिटी तो ऑलरेडी हमारे समाज में इतनी ज़्यादा है और, और ज्यादा आप बढ़ा दोगे तो कितनी चिंता का कारण हो गया तो वैक्सीन्स को फ्री करो फिर से नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी रही सही में एक मई से जो नया फेज शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन का उसको आप अगर इसी तरीके से 18 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो और वहाँ पर अगर वैक्सीन की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है तो पहले तो आप ये तो इन्श्योर करो ना कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो फिर उसके बाद में आप इसको डाइवर्सिफाई करना बेस को तो पहले प्रायोरिटाइजेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है प्रोक्योरमेंट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है तो चीज़ें क्या आ गई घूम फिर के इसी पैराग्राफ पे कि वैक्सीन पॉलिसी को हमें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है ठीक है बाकी और चीज़ें आप देख सकते हो डब्ल्यू देखो इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों इसी एक ही तरीके से कहीं ना कहीं फ़ाइट कर रहे हैं और डब्ल्यू ने जो एक तरीके से अपने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि जो पेटेंट का ऑप्शन है आई की बात की थी ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की उसको भी डब्ल्यू में एग्जाम्शन मिला हुआ है कि उनको भी सस्पेंड किया जा सकता है कहीं पर अगर एमरजेंसी सिचुएशन आए तो ऐसे में इंडिया आराम से कर सकता है इस चीज़ को और भारत बायोटेक जैसी कंपनियाँ जो इतनी ज़्यादा प्राइसेस लगा रही हैं कोवैक्सीन वैक्सीन के ऊपर तो उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में माना कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है बहुत ज्यादा पैसा लगाया बट अभी जो टाइम है वो जनता को प्रोटेक्ट करने की है अगर पब्लिक गुड को पब्लिक गुड की तरह ट्रीट नहीं किया गया है तो ऐसे में फिर बाद में सरकार का मतलब क्या रह जाता है ठीक है डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाता है ठीक है तो हेल्थ केयर सिस्टम में देखो कमियां हैं बहुत सारी वो सारी एक्सपोज हो रही है चाहे ऑक्सीजन सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या और सारी चीजों में देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो हार्ड अर्नड मनी है उससे उस, उस पर आप टैक्स लगाते हो और उस टैक्स को आप प्रोवाइड करते हो दूसरे तरीके से सद, गरीबों के अंदर बांटते हो टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं तो ऐसे में आप ये जो क्रॉस सब्सिडीज आप प्रोवाइड कर रहे हो इसको सही तरीके से प्रोवाइड करो आप इसको फ्री मार्केट की तरफ नहीं ले जा सकते कॉम्पिटिशन में नहीं उतार सकते हो ठीक है आपको गरीबों पर या फिर जो लोग वीकर हैं या जो वीकर स्टेट्स हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है सोशल डारबनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो जाएगा इंडिया के लिए ठीक है ये चीज यहाँ पे बताई है तो रिकंसिडर करने की जरूरत है रीथिंक करने की जरूरत है हमारी जो वैक्सीन स्ट्रेटेजी है उसको आगे चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है article है दैट इज पनिशिंग प्रोसेस ठीक इसमें आप देख सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अभी केरला के ग्यारह एम ने रिक्वेस्ट की है कि सिद्दकी कप्पन इनको आप डेली इनको आप रिलीज करो कैसे भी करके क्योंकि कोविड नाइनटीन इन्फेक्शन इनके आ चुका है और दूसरा इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कोमोर्बिलिटीज़ इनके ऑलरेडी है बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं बेसिकली हाथरस में दलित वमन के साथ में जब रेप हुआ था यूपी में तब ये उसकी रिपोर्टिंग के लिए गए थे बट उस टाइम पर उनको जो ये सिद्दीकी कपन है उनको एक बार कैप्चर कर लिया पकड़ लिया वहाँ की यूपी पुलिस ने और फिर अब उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो है यू के अंडर में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट अब ये एक्ट तो देखो 1967 में आया था और 1967 के इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए और आप देखोगे कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अमेंडमेंट हो चुके थे ना इन इस यू ए पी के एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से ये कह दिया कि अक्यूज़ अगर किसी पे शक हो गया है अगर किसी पे डाउट हो गया है अक्यूज़ का मतलब हो गया जिसके अगेंस्ट में बातचीत चल रही है कि भाई ये ही इसी ने किया होगा ठीक है एलिगेशंस अगर किसी पे लग रहे हैं कन्विक्शन नहीं हुआ अभी तक केवल अक्यूजेशन ही है कि हाँ भाई इसने कथित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी उस बंदे पे अगर इस यू एक्ट के अंडर में प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि उसको बेल हो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आइडेंटिफाई की है तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता का काम क्या है कि यू एमेंडमेंट जो दो में आया उसके पहले केवल और केवल नौ केसेस रजिस्टर हुए थे 2016 में 2016 में यू के अंडर में केवल नौ केसेस रजिस्टर हुए थे जो कि 2019 में बढ़ गए कितने हो गए एक लोगों के अगेंस्ट में तो ऐसे में ये नंबर्स वैसे केसेस के नंबर नहीं है मतलब ये हो गए कितने इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में तो 999 के अगेंस्ट में हुआ था 2016 में जो कि अमेंडमेंट किया गया उसके बाद में 2019 में बढ़ के कितने जनों के हो गया 1948 अच्छा ये लोग कौन है जिनके अगेंस्ट में यू यूज हुआ है जिसमें भीमा कोरेगा एलगर परिषद केस हो गया स्टूडेंट्स हैं यूथ हैं जो जिन लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को प्रोटेस्ट किया था वो हो गए ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग ये डेटा हमने ऑलरेडी देख ही दिया तो ऐसे में क्या हो जाता है कि बहुत चिंता की बात है कि लॉज को मिस किया जाना एग्जीक्यूटिव के द्वारा दूसरी तरफ आप देखो कि 2019 के बाद में और कन्विक्शन रेट बहुत कम है मतलब अरेस्ट तो हो रहा है अक्यूज तो बहुत हो रहे हैं मतलब कि हाँ इसने कथित तौर पे या फिर हाँ भाई डाउट है इस बंदे ने कुछ गड़बड़ किया होगा बट जो प्रोसीडिंग्स है जुडिशरी की उसके बाद में फाइनलाइज करना कि हाँ वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है या नहीं है तो ऐसे में कन्विक्शन रेट आप देखो तो 2019 के बाद में बहुत कम आई है अब इतने लोग एक हैं इसमें से आप देखो कि केवल थर्टी इंडिविजुअल्स ऐसे है हैं जिनका कन्विक्शन हुआ है सोलह को डिस्चार्ज कर दिया गया और नाइन्टी टू है मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद में उनको फ्री कर दिया गया है तो इतने कम नंबर्स में और बाकी अभी भी कहीं ना कहीं जेलों में है किस बेसिस पे कि भाई शक है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो ये चीज यहां पर बोली जा रही है कि भाई अभी जो नए जस्टिस बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना वो क्या करते हैं देखने वाली बात है क्योंकि सिविल लिबर्टीज को अपहेल्ड करना डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं उन केसेस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ड्यू प्रोसेस मतलब जुडिशरी अगर डिले करती चली जाएगी कि हाँ कैसे भी करके जो इंडिविजुअल से जो परेशान हो रहे हैं या फिर जो जेलों में हैं उनको ज़्यादा डिले में कर दिया गया है जल्दी से जल्दी उनको रिलीज़ नहीं किया या उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कम्प्लीट नहीं हुई टाइम पर तो पनिशमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए दैट मीन्स ड्यू प्रोसेस पनिशमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए जुडिशरी की फंक्शनिंग के चलते ज्यादा सजा ना मिल जाए जबकि उन्होंने कुछ गड़बड़ की ही ना हो यह भी हो सकता है ठीक है तो डिस्कशन में यही कंटेंट था थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और बाकी जीएस पेपर से कौन सा आर्टिकल किससे कनेक्टेड है वो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू